हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मैदी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको साइपोन सिरप के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उन लोगों को साइपोन सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। साइपोन सिरप ड्रॉप और कैप्सूल इन तीनों फॉर्म में आता है। तो चलिए जानते हैं साइपोन सिरप का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए और किन किन बीमारियों में किया जाना चाहिए। साइपोन सिरप की कीमत क्या है, साइपोन सिरप के दुष्प्रभाव क्या हैं यानी साइड इफेक्ट क्या हैं, इस सिरप की सावधानियां क्या हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साइपोन सिरप 200 ml की क्वान्टिटी में आता है जिसकी कीमत 104 रुपये के करीब होती है। चलिए जानते हैं साइपोन सिरप के कम्पोजिशन के बारे में। साइपोन सिरप के कंपोजिशन है सिप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg, ट्राइक्रोलिन सिट्रेट 275 mg और सोर्बिटोल IP 2 mg। साइपोन सिरप जेनो कंपनी द्वारा बनाया जाता है। साइपोन सिरप को उपयोग करने के बाद उसकी कैप को कसकर बंद कर देना चाहिए। इस सिरप को 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में स्टोर नहीं करना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिलाएं और अपने बच्चों की पहुँच से दूर रखें। चलिए जानते हैं अब इसके उपयोग के बारे में। इसका उपयोग किया जाता है भूख ना लगना, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, माइग्रेन का दर्द, एलर्जी, प्रेगनेंसी में भूख ना लगना, दिमागी उलझन वगैरह में। चलिए अब जानते हैं साइपोन सिरप के दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो साइपोन सिरप के साइड इफेक्ट्स में आता है मुँह का सूखना, नींद का ना आना, घबराहट और बेचैनी होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, पेट में मरोड़ और दर्द, दस्त आना, शरीर में सूजन आना, पूरे शरीर में दर्द होना, शरीर पर लाल लाल दाने और खुजली होना। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी खुराक यानी डोजेज के बारे में। साइपोन सिरप मरीज की उम्र और वेट देखने के बाद ही तय किया जाता है कि मरीज को कितना साइपोन सिरप कितनी मात्रा में देना है। एडल्ट के लिए साइपोन सिरप खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 20 मिनट बाद भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं साइपोन सिरप लेने की सावधानियों के बारे में। कुछ लोगों को साइपोन की पहली खुराक या 1 से 2 दिन तक लेने से नींद आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें वाहन नहीं चलाना चाहिए या कोई मशीन या कोई उपकरण नहीं चलाना चाहिए क्योंकि नींद की झपकी आने से दुर्घटना का खतरा रहता है। तो ये थी साइपोन सिरप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइपोन की नॉलेज पर बनी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।